तो दोस्तों फाइनली सलार फिल्म को रिलीज हुए आज 19 दिन हो गया है। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में मूवी ने बहुत सारे फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आप सब लोगों को ये कहूँ कि सलार मूवी ने KGF चैप्टर 2 को पीछे छोड़ दिया है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मूवी को रिलीज हुए आज 19 दिन हो गया, मूवी ने वर्ल्ड वाइड 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अगर एनिमल मूवी के बारे में बात करें तो दोस्तों एनिमल मूवी का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 900 करोड़ है और सलार मूवी का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 700 करोड़ है। मूवी ने वर्ल्ड वाइड 700 करोड़ की कमाई कर ली है और कमाई करते हुए KGF चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मूवी को रिलीज हुए 19 दिन हो गया और मूवी ने इंडिया के अंदर 400 करोड़ की कमाई कर ली है। वहीं KGF चैप्टर 2 ने 19 दिन के अंदर 398 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, 2 करोड़ पीछे है KGF चैप्टर 2। वहीं अगर सलार मूवी के ओपनिंग डे के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों सलार मूवी ने अपने ओपनिंग डे में वर्ल्ड वाइड 170 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। अगर मैं आप सब लोगों को बता दूं तो वर्ल्ड वाइड मूवी ने 100 करोड़ हर दिन कमाती थी, यानी कि सलार मूवी वर्ल्ड वाइड एक दिन में 100 करोड़ रुपए कमाती थी। ऐसे में अगर देखा जाए तो 5 दिनों में मूवी ने 500 करोड़ कमाया है। हालांकि उसके बाद तो जैसे फिल्में रिलीज़ होती हैं कमाई थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है, तो बस सलार मूवी की भी कमाई कम होने लगी, इसलिए मूवी ने अब तक 700 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा लिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ऐसे में अगर देखा जाए तो सलार मूवी को लेकर जिस हिसाब से हाइप बनी थी, ऐसा तो बिल्कुल लग नहीं रहा था कि मूवी इतना ज़्यादा कलेक्शन भी करेगी, लेकिन मूवी ने इतना कलेक्शन कर लिया और सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हालांकि इस मूवी का क्लैश डंकी के साथ था और डंकी मूवी पीछे हो गई, लेकिन सलार मूवी आगे निकल गई। प्रभास के बहुत सारे पिछली फिल्मों को अगर उठाकर देख लिया जाए तो उनकी पिछली फिल्में काफ़ी फ्लॉप भी गई थी, लेकिन सलार मूवी उनकी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी निकली। हालांकि अब उनकी अपकमिंग फिल्मों का इंतजार किया जा रहा है, जैसे कल्कि हो गई, डायरेक्टर मारुति के साथ हो गई, और भी उनकी बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं जिसमें वो अमिताभ बच्चन के साथ कल्कि में काम करने वाले हैं। तो इन सब फिल्मों को लेकर तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो सलार फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी आ रहा है वो काफ़ी तगड़ा है। मतलब कि ऐसा अंदाज़ा लगाया नहीं जा रहा था कि इतने दिनों के बाद भी सलार मूवी इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, कमाई करेगी, लेकिन मूवी बहुत अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्या सलार मूवी एनिमल का रिकॉर्ड तोड़ पाती है। KGF 2 से तो समझो आगे ही निकल गई, लेकिन क्या एनिमल से आगे निकलती है या नहीं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों सलार का अगर मैं टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं तो सलार मूवी ने 700 करोड़ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। इंडिया के अंदर मूवी ने 400 करोड़ की कमाई कर डाली है। वहीं अगर ओवरसीज़ के बारे में बात करें तो मूवी ने ओवरसीज़ में 100 करोड़ रुपए की कमाई की है, यानी कि ये फिल्म विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। पसंद करने का रीज़न भी है क्योंकि इसका 2 पार्ट आने वाला है, जिसका पहला पार्ट काफ़ी ज़बरदस्त रहा है, सलार सेज फायर। ऑडियंस को ये पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया था। हालांकि उनकी दुश्मनी तो नहीं दिखाई गई थी, लेकिन ये चीज़ बता दिया गया कि इनकी दुश्मनी यहाँ से स्टार्ट हो गई है। सेकंड पार्ट में हमें प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन की लड़ाई दिखाई जाएगी। जैसे कि हमें पहले पार्ट में ये दिखाया गया था कि पूरा साम्राज्य जो है प्रभास का रहता है, लेकिन प्रभास को पता नहीं रहता है और वो पृथ्वीराज सुकुमारन के लड़ने के लिए वहाँ पे आते हैं। हालांकि आगे चलकर ये भी कहानी हो सकती है कि प्रभास को पता हो और जो है प्रभास पृथ्वीराज सुकुमारन को यूज़ कर रहा हो, क्योंकि वो चोरी से जो है अपने साम्राज्य में घुसे थे। उनका जो साम्राज्य था इन लोगों ने ख़त्म कर दिया था, पृथ्वीराज सुकुमारन की जो फैमिली थी उन्होंने उसको मार डाला था, उनकी पूरी फैमिली को। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है सेकेंड पार्ट में देखने को मिलेगी। हालाँकि पहले पार्ट में हमने देखा था कि श्रुति हासन का सीन काफ़ी कम था, लेकिन हो सकता है कि सेकंड पार्ट में हमें श्रुति हासन का भी थोड़ा सीन देखने को मिले। फिलहाल तो कमाई के मामले में प्रभास की फिल्म सलार ने बहुत सारी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि सेकंड पार्ट इसका कैसा होता है, इसकी स्टोरी कैसी होती है, उसमें एक्शन कैसा होता है और फिल्म कितनी कमाई करती है और ऑडियंस को कितना ज़्यादा पसंद आती है। तो दोस्तों प्रभास की फिल्म सलार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है और इसके सेकंड पार्ट को देखने के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई बातचीत करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।